हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में जिन्हें हम वाटर में लगा सकते हैं। अंदर अगर हमने रखने हो, इंडोर्स में, बालकनीज में कहीं रखना हो, तो उसको हम पानी में लगा सकते हैं। वैसे देखिए, कोई भी पौधा जो हम नॉर्मल घर में उगाते हैं, इनमें से वाटर प्लांट्स की वैसे बात नहीं कर रही हूँ कि बिल्कुल वाटर प्लांट नहीं होता है, उसको पानी में हम लगा सकते हैं। लेकिन एक मेन बात है कि जब आप कोई भी पौधा पानी में लगाते हैं तो उसको आपको रोज़ पानी बदलना पड़ेगा या दूसरे तीसरे दिन पानी बदलना पड़ेगा, क्योंकि वो जो पौधा है वो उस पानी से ही फूड को लेगा और उस पानी से ही ऑक्सीजन को लेगा, हवा को लेगा। जो पानी में घुली हुई हवा होती है, पानी में घुला हुआ जो ऑक्सीजन होता है वो उसी को लेता है। तो इसलिए पानी को बदलना पड़ेगा, नहीं तो उसमें स्टैग्नेंट वाटर में बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे, एल्गी ग्रो कर जाएगी और आपका पौधा ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। तो इसलिए ये मेन बात है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी ये पौधे जब पानी में लगाते हैं। तो अब बात हम ये करेंगे कि कौन से ऐसे पौधे हैं जो हम पानी में बहुत आसानी से लगा सकते हैं, सिर्फ हमें उनका पानी बदलना है दूसरे तीसरे दिन। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे कॉमन पौधे से। ये देखिए, ये स्पाइडर प्लांट है। ये स्पाइडर प्लांट के मैंने बेबी प्लांट्स निकाल के देखिए, बहुत छोटे छोटे थे जब ये बेबी प्लांट्स, अब ये कुछ बड़े हो गए हैं। इनको पानी में लगाया था और अब आप देखें इनमें ये बहुत छोटी छोटी सी, आपको जो है फोकस करके अगर मैं दिखाऊं तो मैं दिखा सकती हूँ कि अब इसमें बहुत छोटी छोटी सी, मेरे से फोकस होगा तो दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये वाइट वाली जो आपको दिख रही है, छोटी सी है, खूंटी सी, ये जो है, ये इसकी ये वाली ये जो है इसकी, ये जड़ जड़ निकलनी शुरू हो गई है। तो इसी तरह से इनमें ये सारी जड़ें निकल आएंगी और ये पौधे कम से कम 10 दिन से इसमें लगे हुए हैं। इस तरह से मैंने एक साइड में ये लगा के ताकि ये पानी में डूबे नहीं, क्योंकि ये पौधे जो हैं ये इस तरह से मैंने इनको लगाया है ताकि ये पानी में बहुत ज़्यादा डूबे नहीं। छोटे पौधे हैं, आसानी से अंदर चले जाएंगे। तो इनको आप एक काम और कर सकते हैं कि आपके जो पानी का बर्तन है उसमें नीचे कोई स्टोन वगैरह रख दें और पौधे को रख के उसमें एडजस्ट कर दें स्टोन में, फिर उसमें पानी डाल दें तो ऐसे भी चल जाते हैं ये, या फिर लेका बॉल्स रख दें। ये देखिए, ये मैंने, ये तो है स्पाइडर प्लांट जिसकी मैंने फर्स्ट बात की। दूसरा पौधा जो हम बात कर रही हूँ, ये देखिए, ये है फाइलोडेंड्रॉन्स। मेरे पास कई फाइलोडेंड्रॉन्स हैं, मैं फाइलोडेंड्रॉन्स पे वीडियो भी बना चुकी हूँ। ये देखिए, ये दो फाइलोडेंड्रॉन्स हैं जो मैंने इसमें लगाए हैं। ये देखिए, ये है ऑक्सीकार्डियम। इसका कलर मुझे बहुत पसंद आता है और ऑक्सीकार्डियम में एक खास बात ये है कि ये देखिए, इसमें ऐसे जड़ें निकलती हैं। ये देखिए, ये आपको दिख रही है जॉइंट्स पे, जैसे मनी प्लांट में जड़ें निकलती हैं, ये जड़ें अगर मैं इसको इस जगह से काट के और लगा दूँ पानी में तो ये जड़ें जो हैं वो डेवलप हो जाएंगी। यही जो जड़ें होती हैं जो मॉस स्टिक में जाती हैं और आपके पौधे को फूड मॉस स्टिक से भी मिलता है, मनी प्लांट में भी है ना। मनी प्लांट भी एक फाइलोडेंड्रॉन ही होता है। तो ये देखिए, ये दिख रहा है आपको ये, और एक ये मैंने फाइलोडेंड्रॉन दूसरा लगाया हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, दोनों की पत्तियां भी अलग 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 शेप की हैं। इस फाइलोडेंड्रॉन को मैंने काफ़ी दिन से लगाया हुआ है और देखिए इसकी ये रूट्स जो हैं, कुछ रूट्स इसकी पहले थी, अब ये बड़ी हो गई हैं और इनमें देखिए, ये आपको दिख रहा हो तो ये वाइट वाइट रूट्स और निकल रही हैं, कैलस वाइट वाइट से दिख रहे हैं। तो इसकी रूट्स और डेवलप हो रही हैं और देखिए, काफ़ी दिन से, करीब 15-20 दिन से ये लगा हुआ है। बस मैं इसका पानी बदलती हूँ और इसमें मैंने ये लेका बॉल्स थोड़ी सी डाली हुई हैं। ये देखिए, आपको दिखाती हूँ, ऐसे आप लेका बॉल्स में भी लगा सकते हैं। अब मैंने इसमें क्या, लेका बॉल्स कुछ कम लगाई हुई हैं। लेका बॉल्स जो हैं वो बिल्कुल स्टराइल मीडियम देती हैं आपके पौधे को, हवा ट्रैप कर लेती हैं, पानी अच्छी तरह से मिलता है। इनको अगर मैं अच्छी तरह से पूरा यहाँ तक फिल कर दूँ, पूरा यहाँ तक भर दूँ, ये हल्की होती हैं, ऊपर पानी में तैर रही हैं, अगर ये पूरा यहाँ तक पहले भर दें लेका बॉल्स फिर पानी डालें तो फिर नहीं ये तैरती हैं, तो ये बॉल्स नहीं तैरते। ये क्ले के बॉल्स होते हैं स्पेशली, बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म करके बनाए हुए होते हैं, जो चिकनी मिट्टी होती है क्ले उसके, और इसमें आप लगा सकते हैं, या फिर छोटे छोटे जो आपको नर्सरी वगैरह में स्टोन्स मिलते हैं उनमें आप लगा सकते हैं। तो फाइलोडेंड्रॉन अगर आपके पास कोई भी है
तो दो फाइलोडेंड्रॉन्स तो देखिए मैंने आपको दिखा दिए, ये करीब 10 एक दिन से लगा हुआ है, ये वाला फाइलोडेंड्रॉन 10 नहीं 20 एक दिन से लगा हुआ है ये वाला फाइलोडेंड्रॉन। और लेकिन इसकी आपको क्या है, बस पत्तियां जो हैं वो बदलनी पड़ेंगी। अभी इसकी ये जो नई वाली पत्ती है ये अच्छी तरह से नहीं निकल रही है, ये जिस दिन खिली उस दिन मैं आपको और अच्छी तरह से दिखाऊंगी। और ये देखिए, ये देखिए रियो ट्राइकलरिस, इसकी भी 2-3 स्टिक मैंने डाल दी थी, ये अभी थोड़े दिन ही हुए हैं इसकी स्टिक्स को भी डाले हुए। मुझे लग रहा है इसमें से कोई एक स्टिक है जिसमें थोड़ी सी जड़ें निकलने लगी हैं, देखती हूँ अगर है तो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें मुझे लग रहा है कि ये थोड़ी थोड़ी इसमें ऑलरेडी जड़ थी और ये छोटी वाली एक जड़ नई निकलने लगी है, ये देखिए। और अगर इसका पानी हम बदलते रहें, और दूसरी एक और चीज़ बताएं कि इसका पानी तो आप बदलते रहेंगे लेकिन इसमें आप थोड़ा सा एनपीके भी डाल सकते हैं। वो एनपीके आपको इतना डालना है, जैसे 1 लीटर पानी ले लीजिए और 1 लीटर पानी में 1/4 से भी कम चम्मच, जो चाय का छोटा चम्मच होता है उसका 1/4 और उससे भी थोड़ा सा कम ही पानी, 1 लीटर पानी में एनपीके को घोल लें, है ना, 1/4 चम्मच से भी कम, और उस पानी से इन बर्तनों को भर दें आप एक दिन, और हफ्ते में एक दिन वो पानी दे दें या 10 दिन में एक दिन उस पानी से भरें, और वैसे आप 2-3 दिन में फ्रेश पानी ही डालते रहें, तो वो जो एनपीके आप इसमें डिजोल्व करेंगे उससे इसकी जड़ें वगैरह और अच्छी तरह डेवलप होंगी। और ये देखिए ये पर्पल हार्ट्स, ये मैंने कटिंग अभी लगाई है, आपको बाद में रिपोर्ट दे दूंगी किसी वीडियो में और इसकी अपडेट दे दूंगी। और ये देखिए ये ट्रेडस कैंशिया है, इसका ये वॉन्डरिंग जीव है, देखिए ट्रेडस कैंशिया शायद ये है, एग्जैक्टली मुझे ट्रेडस कैंशिया नाम याद आ गया, इन तीनों में से कौन सा एक्चुअली बोटेनिकल नेम ट्रेडस कैंशिया होता है मुझे इस टाइम एकदम से याद नहीं आ रहा है। चलो फिर कोई बात नहीं, ये वॉन्डरिंग जू है, ये देखिए ये वॉन्डरिंग जू है, ये बहुत आसानी से लग जाता है पानी में, ये लगा सकते हैं आप, बस ऐसे मैंने लगाए हैं, इनका मैं पानी पानी बदलती रहूँगी। तो और ब्यूटीफाई करने के लिए इसमें यहाँ नीचे आप स्टोन्स डाल दीजिए, यहाँ पर आप स्टोन्स डाल देंगे इसके नीचे तो और भी खूबसूरत लगेगा अंदर स्टोन डले हुए। और नहीं तो कई बार आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये पानी है तो पानी में डाल में ना छोटे छोटे कोई टॉयज आते हैं ना, वो टॉयज यहाँ पर, यहाँ से आपको टॉयज दिखेंगे, छोटे छोटे पानी में डालने वाले बच्चों के खेलने के टॉयज आते हैं, छोटे छोटे से, बिल्कुल छोटे छोटे से मिलते हैं, वो डाल सकते हैं, वो टॉयज नीचे से दिखेंगे तो बहुत खूबसूरत लगता है आपका पौधा लगा हुआ और बीच में टॉयज, और यहाँ नीचे कोई रंगीन सैंड आती है, कलर्ड सैंड, नीचे हल्की सी कलर्ड सैंड, वो मैं अरेंजमेंट आपको बना के दिखाऊंगी एक दिन, मेरे दिमाग में है वो, कभी मुझे बनाना है। तो वॉन्डरिंग जी हो गई, पर्पल हार्ट्स हो गई, ये हो गया आपके रियो, जो ये मेरा रियो है ये ट्राई कलरिस है, एक सिंपल पर्पल वाला रियो भी आता है। एक देखिए ये प्लांट, ये बहुत आसानी से लग जाता है पानी के अंदर, बहुत बहुत आसानी से लग जाता है, स्नेक प्लांट, ये देखिए ये बहुत आसानी से लग जाता है, इसकी कई वेराइटीज़ हैं और बस इसको ऐसे पानी में लगाओ आप, बस पानी बदलते रहें, ये लग जाता है बहुत आसानी से। अगर आपको अपने रूम वगैरह में बालकनी में रखना है, अरेंजमेंट्स बनाने हैं ना, तो उनके लिए भी अच्छा है, जैसे एक ऐसे कटोरी जैसी बहुत बड़ी सी आप ट्रे ले लें, उसमें स्टोन्स अरेंज कर दें, और स्टोन्स में आप जैसे पीछे ये वाला लगा दें पौधा, और आगे आप रियो लगा दें, वॉन्डरिंग जू लगा दें, स्पाइडर लगा दें, एक अरेंजमेंट जैसे अपन नॉर्मल ट्रे बनाते हैं वैसे बना के और उसमें पानी भर दें आप, पत्थर नीचे लगाने जरूरी हैं ताकि पौधों को कोई बेस मिल जाए, ऐसे तो देखिए ये ऐसे घूम रहा है पानी में, अगर नीचे हम स्टोन्स लगा के इसको स्टोन्स में फिक्स कर देंगे इस पौधे को, है ना, फिर ये हिलेगा नहीं, तो ऐसे एक अरेंजमेंट बना के उसमें पानी डाल दें और दूसरे तीसरे दिन पानी को बदलते रहें, तो आपके जो टेबल वगैरह है ड्राइंग रूम में, साइड टेबल्स वगैरह है उस पर ये बहुत खूबसूरत लगता है। एक देखिए मैं आपको, ये दो प्लांट्स मैंने एक में ही लगाए हुए हैं, ये देखिए इसकी तो अच्छी खासी जड़ें डेवलप हुई हुई हैं, ये देखिए आपको दिखाती हूँ मैं पौधा, ये देखिए ये सिंगोनियम है जिसको एरो हेड प्लांट कहते हैं,
ये देखिए ये पानी में बहुत अच्छा चलता है। जो आप अरेंजमेंट्स में वाटर अरेंजमेंट्स प्लांट्स का बना के एक दो आपको दिखाऊंगी किस तरह से बना सकते हैं आजकल में ही वीडियो, अगर आप चाहते हैं तो बताऊंगी मैं आपको। और ये देखिए ये मैंने काफ़ी दिन से लगाया हुआ है, ये भी 21 दिन से, ये 2-3 पौधे हैं ये मैंने 20-25 दिन से लगा रखे हैं। और ये देखिए ये मनी प्लांट का एक मेरा एक दिन टूट गया था तो उसको भी मैंने पानी में डाल दिया। और ये मनी प्लांट देखिए आप कितना अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है, काफ़ी दिन से ही इस पानी में लगा हुआ है और देखिए कितना अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। और इसका वेरिगेशन वगैरह देखिए कितना सुंदर आ रहा है। वेरिगेशन तो अभी इसलिए इसमें बहुत अच्छा है क्योंकि ये बाहर से मेरे पौधे में से टूट गया था और मैंने उसको इसमें ऐसे लगा दिया था। तो मनी प्लांट को आप बहुत अच्छी तरह से लगा सकते हैं। और एक बहुत आसान सा पौधा है जो बहुत से घरों में मिलता है जो लगा सकते हैं, वो देखिए ये एग्लोनीमा। एग्लोनीमा की बहुत सी वैरायटीज आती हैं, आप कोई भी वैरायटी एग्लोनीमा की लाएं। एग्लोनीमा थोड़ा सा महंगा आता है पौधा, मेरा ख्याल एक जो है ना डंडी लगा हुआ पौधा, एक पौधा लगा हुआ, जैसे देखिए ये एक पौधा ही है अभी लगा हुआ है ना। अब इसके साइड से बहुत सारे ये देखिए ये निकलेंगे धीरे धीरे बेबी प्लांट्स, अभी एक ही निकल रहा है बेबी प्लांट। एक और चीज़ इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एग्लोनीमा पत्ती से भी लग जाता है। अभी आजकल बारिश का मौसम चल ही रहा है, आजकल आप एक एग्लोनीमा की लीफ लेके लगा दें मिट्टी में और उसको पानी वगैरह का आराम रखें और उसको थोड़ा छाया में रखें, थोड़ी ह्यूमिडिटी चारों तरफ छिड़काव छिड़कू करके आसपास के पौधों को, तो उसमें से नया पौधा निकल आता है। मैं इस पर जल्दी पहले लगाऊंगी और निकल आएगा तो उस पर वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। तो ये जो पौधा है ना, जो आपको जैसे एक पौधा 150-200 का मिल जाता है लगा हुआ छोटे गमले में, तो वो पौधा आप लाके उसकी जड़ों को धो के और किसी बर्तन में स्टोन्स भर के और उसमें इस पौधे को अरेंज करके पानी डाल के इसका वाटर प्लांट बना के अपने ड्राइंग रूम में ग्लास के किसी वाज वगैरह में लगाएं, बेहद खूबसूरत लगता है। और इसके आसपास कोई दूसरे पौधे भी लगा सकते हैं जब आप पानी में लगाएं, जो मैंने ये दिखाए हैं स्पाइडर इनमें से कोई। तो ये कुछ प्लांट्स हैं, और भी कई प्लांट्स लग सकते हैं लेकिन ये कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो मुझे अभी याद आए मैंने आपको बताए। और ये बड़े ईजीली लग जाते हैं, मेन चीज़ ये है कि इनको लगाना कोई मुश्किल नहीं है। कोई भी नए न्यू गार्डनर है उसको कुछ आता है नहीं आता है गार्डनिंग का, पानी में इनको लगा दें, बस आप 10 दिन में एक बार इनमें जो पानी इसका बदलें और इस पॉट में जो पानी भरें उसमें आप 1 लीटर में 1/4 चाय के चम्मच से, 1/4 से भी थोड़ा सा कम NPK 19:19:19 डिसॉल्व करके और उससे इस पानी को भरें। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स बाय। ये देखिए लियो जो है ना बाहर बारिश हो रही है उसको देख रहा है, दिया के जाने से थोड़ा सा उदास दिख रहा है ये शायद। लिक्की लियो बेबी क्या कर रहा है बच्चे।